हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपको एंटी एयरफुल शैम्पू कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले मेरे पास जो भी शैम्पू है तो ये एंटी एयरफुल शैम्पू है। तो अभी कम्प्लीटली यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो किस वजह से यूज़ करना है, तो सबसे पहले अपने इसको गीला कर लेना है। तो गीला मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, यहीं पर मतलब यूज़ करके दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा करना पड़ता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कैसे यूज़ करना है ये समझा देता हूँ सबसे पहले, अंदर जाकर बाकी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने हेयर्स को अच्छे से गीला कर लेना है, यानी वेट कर लेना है, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। तो अब क्या करना है, शैम्पू ले लेना है। तो अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी लोगे, तो सबसे पहले इसको शेक भी करना है आपको, ओके। तो मैं इतनी क्वांटिटी ले रहा हूँ, देख सकते हो। तो मैं अभी डेली शैम्पू करता हूँ। अगर किसी की हेयर्स ऑयली है तो उनको टू टाइम अप्लाई करना होगा। टू टाइम कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम आपको अच्छे से मसाज करनी है सिर्फ 30 सेकंड या एक मिनट के लिए, देन इसको धो देना है, देन अगेन से लगाना है, फिर स्कैल्प पे रखना होगा आपको, ठीक है। 2 से 4 मिनट के लिए रख सकते हो, 2 से 3 मिनट एनफ रहेगा। तो अभी इसको अच्छे से मसाज की हैंड पे मसला से। तो ये देख सकते हो आपको फोम नहीं देखने को मिल रही, इसलिए टू टाइम अप्लाई करना पड़ेगा ताकि अच्छे से स्कैल्प में भी लग पाए ये, नहीं तो क्वांटिटी ज़्यादा लग जाती, वही बात है। तो सबसे पहले ऑयल रिमूव होगा, ठीक है। तो अब इसको वॉश करते हैं, देन रीअप्लाई करूँगा। ओके, सो अब इसकी फॉर्म बनेगी, आपको मैं दिखा देता हूँ किस वजह से। तो पहले से बिल्कुल थोड़ा सा कम लिया अभी इस वजह से, तो अभी फॉर्म आपके सामने है, पहले नहीं बन रही थी। तो बस इस वजह से अच्छे से स्कैल्प में मसाज करके छोड़ दिया इसको, अब 2 मिनट के लिए पड़ा रहने देना, देन इसको वॉश कर देना आपको, ताकि जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आते हैं कोई भी एंटी एयरफुल शैम्पू में, वो आपकी स्कैल्प पे अच्छे से वर्क कर जाएं। तो अभी 2 मिनट रहने देते हैं, देन मैं वॉश कर दूंगा यहीं पर, ओके। तो अभी 2 मिनट हो गया, तो अब मैं इसको वॉश कर देता हूँ। तो बस इसी वजह से आपको यूज़ करना है इसको, ठीक है। अब अपने हेयर्स को ड्राई कर लेता हूँ, देन मैं आपसे आगे बात करता हूँ नाक का, ठीक है। अभी मेरे को बात वगैरह लेना है, तो इसलिए मुझे लगा पहले मैं आपको दिखा दूँ, बिकॉज अभी इतने विंटर्स नहीं आए, नहीं तो मैं यहाँ पे वॉश करके नहीं दिखा पाता, बिकॉज मुझे गर्म पानी लेना पड़ता अलग से। तो ये ठंडा पानी था, ठीक है। और आपको मतलब पानी भी ऐसा यूज़ करना चाहिए जो आपकी स्कैल्प पे ज़्यादा गर्म ना लगे, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। ओके, तो आपने देख लिया, इसी वजह से आपको एंटी एयरफुल शैम्पू यूज़ करना है, ठीक है। ये नॉर्मली था, मैंने आपको कम्प्लीटली दिखा दिया। अब टू टाइम उनको अप्लाई करना है जिनका जैसे कि ऑयली हेयर्स ज़्यादा हो गए या आपने ऑयलिंग की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर पर्सन को टू टाइम यूज़ करना होगा, बट मेनली ये चीज़ रहती है, अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है तो अगर आप इसको यूज़ करोगे तो वो इंग्रेडिएंट्स आपके जैसे कि स्कैल्प की रूट्स में लगने चाहिए, ताकि तब भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अगर एंटी एयरफुल शैम्पू हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बताया। अब किसी को माइल्ड वे से यूज़ करना है, उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी कि माइल्डली शैम्पू को कैसे यूज़ किया जाता है, चाहे कोई भी शैम्पू हो आप उसको माइल्ड वे से कैसे यूज़ कर सकते हो, ये मेनली रहता है। माइल्ड शैम्पू तो आप देखो वो चीज़ रहती है कि अगर आपकी स्कैल्प में ना ही कोई डैंड्रफ है, ना ही कोई हेयर लॉस हो रहा है इतना, या अगर हेयर लॉस हो रहा है आप चाहते हो कि मैं माइल्ड वे से यूज़ करना चाहता
चाहता हूँ डैंड्रफ वगैरह नहीं हो रहा, फिर तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो करने वाला हूँ, उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आप शैम्पू को माइल्ड वे से कैसे यूज़ कर सकते हो, जो कि उसके हार्श इंग्रेडिएंट्स भी है तो उसका असर आपकी स्कैल्प में कम से कम हो या ना ही हो, ठीक है? तो उस पर एक अलग से वीडियो आएगी। इस वीडियो में मैंने आपको एंटी हेयरफॉल शैम्पू यूज़ करना बताया है, इससे पहले एक वीडियो की है उसमें एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना बताया है। इस शैम्पू को जैसे कि एंटी हेयरफॉल शैम्पू कोई भी यूज़ करते हो उसके ऊपर पहली बात तो बैक में ही मैंशन होता है किस वजह से आपको यूज़ करना है, तो पढ़ लिया करो। बाकी आपको जैसे कि अच्छे से स्कैल्प में मसाज करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ना होता है, ठीक है? तभी उनके इंग्रेडिएंट्स से आपको बेनिफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बस इतना ही था। और कुछ शैम्पू एंटी हेयरफॉल शैम्पू ऐसे भी रहते हैं जैसे कि अब किसी में पता नहीं, कोई भी नाम नहीं ले रहा मैं, ठीक है, नाम ले लूँगा अनियन वाले ही आप मान लो, ठीक है? अब वो क्या कि आप लगा के ज़्यादा देर छोड़ोगे आपको ज़्यादा हेयर लॉस भी देखने को मिल जाता है। कुछ शैम्पू ऐसे हैं जिनको यूज़ करने से किसी किसी का हेयर लॉस भी बढ़ जाता है, अगर वो एक प्रॉपर अच्छे मेडिकेटेड ब्रांड के हैं तो आपके जैसे कि हेयर ग्रोथ करवा देंगे। बट अगर आप कोई फालतू ले रहे हो, मतलब मेडिकेटेड ब्रांड का लिया आपने, उससे थोड़ा सा हेयर लॉस बढ़ा है तो आपके उसको कंटिन्यू यूज़ करोगे तो अगेन से आपके ग्रो कर जाएंगे कुछ टाइम बाद। बट अगर आप उसको प्रॉपरली यूज़ करना छोड़ देते हो थोड़े टाइम में, मतलब हेयर लॉस देख के थोड़ा सा, तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। अब जैसे कि मान लो आप कोई बेकार कंपनी का ले रहे हो और उसका नाम है एंटी हेयरफॉल शैम्पू, अब आप उसको यूज़ करते जा रहे हो आपको तो हेयर लॉस देखने मिल रहा है, तो वो आपका हेयर ग्रोथ भी नहीं करवाएगा और हेयर लॉस बढ़ा भी देते हैं, ऐसे भी शैम्पू रहते हैं, तो इसलिए आपको ट्रस्ट करके लेना चाहिए। बस आज के वीडियो में इतने था, इतनी मेहनत की बार दिखाया मैंने, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और अभी जैसे कि फिटनेस के नेम से भी मैंने चैनल खोल लिया है तो उसको भी जरूर सपोर्ट कर दो, साहिल नागपाल फिटनेस के नेम से यहाँ पे आपको साइड में शो कर रहा हूँ, तो इसको भी सब्सक्राइब कर दो, कोई करवा दो 200-300 सब्सक्राइबर ही करवा दो, इतनी बहुत है एक बार के लिए। तो न्यू स्टार्ट किया, धीरे धीरे इस पे जैसे फिटनेस रिलेटेड वीडियोज डालते रहेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।